हेलो दोस्तों, हर्ष होम वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज है संडे और संडे की करेंगे आज काइट फ्लाइंग। आज हमारे साथ रहेंगे तीन दिन प्लेयर हर्ष, उदित और वंश। और ये हमारे प्लेयर पीछे कहाँ छत पर जा रहे हैं भाई? तो हमारे पास कुछ पहले की पतंगों का कलेक्शन है, तो आज हम उन्हीं पतंगों को उड़ाएंगे। उसके बाद में अगली वीडियो जब आएगी तो आपके लिए नई पतंगें लाएंगे और नया मांझा भी लेके आएंगे और उससे करेंगे काइट फ्लाइंग। फिलहाल में जो पुरानी पतंगों का कलेक्शन है उन्हीं को उड़ाएंगे। पहले प्लेयर देखते हैं हमारे कहाँ गए, हर्ष, उदित और वंश, तीनों को देखते हैं। और हमारे प्लेयर उधर क्या कर रहे हैं? हर्षो, और ये आ गए हमारे प्लेयर। क्या देखने गए थे सर? है वंश, क्या था? पतंग थी। आ जाओ। तो अभी हमारे पास फिलहाल पुरानी पतंगों की कलेक्शन है, आज उन्हीं को उड़ाएंगे। निकलिए उदित। तो ये हमारे पास कुछ पहले की पतंगे हैं, ब्लू और ये रेड वाइट में। और कौन सी है? और ये ब्लू। तो फिलहाल में अभी हमारे पास ये कागज की पतंगे हैं, तो आज इन्हीं पतंगों को उड़ाते हैं। और ये कंधे पर तैयार करो। ओ भाई ने भी ले ली पतंग। दर्शु तो यही वाली ले लेता है, रेबिट वाली। तो इधर हमारे प्लेयरों पतंगों के कंधे वगैरह बांध रहे हैं। आज हवा किधर की है? इधर की। हाँ। और आज है 31 दिसंबर और 2023 का लास्ट डे। और आज की हमारी इस 2023 की लास्ट काइट फ्लाइंग रहेगी, उसके बाद नई साल आएगी। तो नई साल पर 2024 पर नई पतंगों और नए मांझे के साथ काइट फ्लाइंग करेंगे। हाँ। क्या कर रहा है? कंधे बांध रहा है? तेरे को आते कंधे बांधने? तो फिर कैसे बांधेगा? और इधर हमारे पास वैसी पतंग कम है और इन्होंने पतंगें भी फाड़ दी, शुरू कर दी। और इधर ये भी फट गई है। लो चल, ये तो चिपक जाएगी। है उदित? हाँ, ये तो चिपक जाएगी, पर ये तो बेकार हो गई, इसकी ये सीख टूट गई। तो ये लो दर्शु भाई, तो मुड़ा लो इसे। और इधर उदित ने अपनी पहली पतंग उड़ा ली, ब्लू कलर की, ये उड़ गई। और आगे इधर वंश ने भी उड़ा ली अपनी ब्लू वाइट। तो हमारे दो प्लेयरों की पतंग उड़ चुकी। आज धूप काफ़ी तेज है। और इधर हमारे हर्ष की भी पतंग उड़ चुकी। हर्ष ने लिया है येलो और ब्लू में, ये उड़ रही। और उधर उड़ रही है बीच में वंश की और लेफ्ट हैंड पर उदित की। तो हमारे तीनों प्लेयरों की पतंग ऊपर उड़ चुकी है आसमान में। और दर्शु ने क्या लगा दिया? तूने क्या कर रहा है? मैं चरखियों का हैं है? तेरा घर है? हाँ। तो घर है तो डंडे से क्या कर रहा है? ओ तेरा घर तूने तोड़ दिया, पूरी चरखियाँ खराब कर रहा है हमारी। तो आज की हवा कहती है? आज की हवा अच्छी है, ठीक है। हाँ। से बेच करूंगा। वंश से? हाँ। वंश तेरे से बेच कर नहीं कर रहा है उधर। तो अब जल्दी से पहले पेज की कराते हैं तैयारी, जिसमें कि उदित कह रहा है मैं वंश की पतंग काटने की कह रहा है। तो उदित और वंश के बीच में पहले पेज कराते हैं। तो उदित की इधर उड़ रही है ऊपर लेफ्ट हैंड पर ब्लू कलर की, और इधर वंश की उड़ रही है राइट हैंड पर ये ब्लू और वाइट। दोनों की पतंगें काफ़ी दूर हैं और दोनों प्लेयर पेज के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और अब देखते हैं उदित काटता है या वंश। दोनों प्लेयर बिल्कुल पेच के लिए तैयार। उदित अपनी पतंग लेके जा रहा है पेच के लिए, वंश की पतंग थोड़ी सी आगे। उदित मौका नहीं देना चाह रहा, वंश अपनी बचा। अब वंश लेके जा रहा है उदित के पास। और ये पेच, और ये पेच काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होंगे। और दोबारा से पिच होने जा रहे हैं। उदित की पतंग ऊपर ब्लू, और ये पेच के लिए ले गया वंश खींचता हुआ। और पेच पड़े, निकल गए। गई उदित की ब्लू कलर की पतंग, ये जा रही, ये गई उदित की पतंग। और वंश की उड़ रही, हर्ष की इधर उड़ रही है टॉप पर। तो वंश ने उदित की पहली पतंग काट दी। उदित अब हवा सूरज की तरफ हो गई ना? हाँ। बहुत ज़्यादा चौन लग रहा है आँखों में। हैं? हाँ, अब पतंग उड़ाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। अब पतंग उड़ाने में दिक्कत हो रही है थोड़ी। हाँ, हवा बार बार बदल रही है। वंश ने भी जोर से काटी।
हत्ते गए तेरे? नहीं यहाँ से कटी है। अबे वो बिल्कुल एंड आ गया तेरा मंजे का। तो इधर उधर देखो पतंग ले रहा है, ये रेड और व्हाइट। तो ये रेड और व्हाइट ले रहा है? हाँ। बांध करने बांध। क्या कर रहा है भाई पतंग का तू? उधर चू फाड़ रहा है। फाड़ रहा है? नहीं फाड़ना नहीं, नहीं फाड़ रहा दे दो। और चाचा हाँ मुझे ना कोई उड़ा कर दे रहा है। हर्षू एक पतंग चाहिए मुझे। हर्षू की हर ठीक है ले ले। हर हर छोड़वा दिए भाई को। ए दर्शू अभी रुक जा, अभी एक एक करके उड़ाना। पहले भाई जी को उड़ान दो। तो वाही उड़ा रही है हर्ष की पतंग राइट हैंड वाली, और लेफ्ट हैंड पर उड़ रही है वंश की। अबे वंश तो ये रहा, वंश तू तेरी पतंग कहाँ है? दर्श ओए तूने वंश की पतंग ले ली? डुबोना नहीं। वाही उड़ा रही है, तू भी उड़ा रहा है। तो अब एक और पेच कराते हैं हर्ष और वंश के बीच में। दोनों की पतंग ऊपर उड़ रही है, दोनों के बीच में एक एक पेच कराते हैं। अब देखते हैं वंश काटता है या फिर हर्ष। पहले की पतंग वंश ने काट दी थी उदित की। तो इधर वंश और इधर हर्ष दोनों प्लेयर पेच के लिए बिल्कुल तैयार हैं। हर्ष की इधर उड़ रही है ये राइट हैंड पर ब्लू और येलो, वंश की आगे लेफ्ट हैंड पर ब्लू और वाइट। और दोनों के बीच में पेच होने जा रहे हैं अब। दोनों प्लेयरों के बीच में पेच होने जा रहे हैं। हर्ष की पतंग नीचे ब्लू और येलो, और वंश की ऊपर वाइट और येलो, वाइट और ब्लू। और दोनों की और वंश खींचता हुआ ले गया हर्ष की पतंग। गई हर्ष की पतंग, जा चुकी है। वंश ने काट दी एक और पतंग। लेके जाएगा वंश पेच के लिए? मार पेच। और वंश एक और पेच करने के लिए जा रहा है। पड़ोस में उड़ी एक पतंग लेफ्ट हैंड पर, वंश की राइट हैंड पर। और पेड़ के पीछे पेच करने पड़ेंगे वंश, फंसना जाए धंधे की पेड़ में। देख लेंगे। अब ले जा, अब ले जा, अब थोड़ी सी ऊंची पतंग है। तो वंश की उड़ रही है लेफ्ट राइट हैंड पर, बार बार पेड़ में कर लेता है। पेड़ की वजह से दिक्कत आ रही है ना। अब वो ऊंची भी नहीं कर रहा। अब ला थोड़ी सी ऊपर, अब देख हो जाए तो पेच। तो वंश लेके जा रहा है, उसने फिर नीचे कर ली। पड़ गए पेच। ओ वंश ने खींच मारी और वंश ने काट भी दी, लेकिन वंश की पतंग नीचे क्रश हो गई, लेकिन निकल आएगी देखते हैं। और ये निकल आई वंश की पतंग। तो वंश ने आज एक और पतंग काट दी, वो बिल्कुल पेड़ में बिल्कुल नीचे, हाँ बिल्कुल नीचे जाके खींच मारी ना तूने, कट गई उसकी। और गली में इतने जने कौन आ गए? पड़ोस में आए कोई रिश्तेदार वगैरह। तो इधर फाइनली उदित की एक और पतंग उड़ गई, और हर्ष को नया मिला काम कपड़े सुखाने का। हर्ष की पतंग नहीं बची कोई भी। तो उदित उड़ा रहा है अपने ये रेड और वाइट। तो ये उड़ रही है उदित की रेड और वाइट, और वंश की आगे उड़ रही है ब्लू और वाइट। आज वंश ने दो दो तीन तीन पतंगें काट दी। हर चल के पकड़ ले। तो अब लास्ट पेज की करेंगे तैयारी, जिसमें कि वंश और उदित के बीच में पेज होंगे, और ये लास्ट पेज होंगे। और इन पेज में देखते हैं अब वंश काटता है या फिर उदित। वैसे वंश तीन तीन पतंगें काट चुका है, अब देखते हैं अब लास्ट में उदित काटता है या फिर वंश। तो इधर वंश और उदित दोनों प्लेयर बिल्कुल पेज के लिए तैयार, और ये लास्ट पेज होंगे। और उदित की उड़ रही है ऊपर बहुत ऊपर, ये रेड और वाइट। और इधर वंश ला रहा अपनी पतंग पेच के लिए, उदित की ये उड़ रही है राइट हैंड पर। और दोनों प्लेयरों के बीच में पेच होने जा रहे हैं। वंश लेके जा रहा अपनी पतंग नीचे तक खींचता हुआ, उदित की पतंग ऊपर रेड और वाइट, और पेच होने जा रहे हैं। दोनों प्लेयर भी खींचते पेच करना चाह रहे हैं। उदित नीचे से लेके जा रहा है पेच के लिए, और ये लास्ट पेच है, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहे हैं। और कमेंट में बताना आपको ये वाले पेच कैसे लगे। और पेच पड़ चुके, पतंग गई नहीं गई, ओ नहीं गई, ओ फट गई उदित की पतंग। उदित की पतंग फट गई, बैलेंस बिगड़ गया, और वंश दोबारा तक खींचते बोला। ओ भाई वंश की पतंग लास्ट में गई, और फटी हुई पतंग से उदित ने वंश की पतंग काट दी। तो ये लास्ट के पेच काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहे, और उदित की पतंग नीचे क्रैश, वंश की पतंग वो गई आगे। तो वंश की लास्ट में गई, और उदित ने काट ही दी लास्ट में फटी हुई पतंग से। उसकी पतंग फट गई। हाँ ऐसा होता है ना, पतंग फटने के बाद में ना वो ज़्यादा घूमती है, तो घूमने की वजह से वो मंजा जो है ना बहुत तेज़ी से क्रॉस मारता है ना, तो इसलिए कट गई तेरी पतंग। देखिए आ रही है पतंग,
हर्ष खींचियो। और ये आ गई हर्ष उदित की पतंग, लेकिन फट चुकी है। टीचर क्या कर रहा है? आराम से खींचो, आराम से। वैसे फट गई है, मुश्किल ही निकलेगी, अब नहीं निकल रही। तो ये इधर टंकी के पास टूट गई उदित की पतंग, और आगे जो वंश की पतंग जो कट गई थी वो किसी ने पकड़ ली और वो उड़ा रहा है। वंश तेरी पतंग आगे किसी ने पकड़ ली? भैया ने पकड़ ली। हाँ ये रही। आज की काइट फ्लाइंग में हमारे चार पांच पेज हुए, जिसमें कि वंश ने लगातार तीन तीन पतंगें काटी थी। एक पतंग तो वंश ने बिल्कुल पेड़ के पास नीचे घुस के नीचे तक खींच मार के काटी थी, लेकिन लास्ट में जो पेज हुए उदित और वंश के बीच में बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हुए, बहुत ही ज़्यादा लंबे चले। उदित की पतंग बीच में पेज के लिए गई, लेकिन वो पतंग फट गई। उसके बाद वंश ने दोबारा से पेज डाले, लेकिन उदित ने खींच मारी और वंश की पतंग लास्ट में कट गई। तो वीडियो को करेंगे अब यहीं पे समाप्त। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, जो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना, ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।